नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम भारत की जलवायु पर चर्चा करने वाले हैं, भारत के मौसम पर चर्चा करने वाले हैं और जो सबसे अहम फैक्ट है भारत की वर्षा, उस पर चर्चा करने वाले हैं, है ना। जैसा कि आपने थंबनेल में ही देखा होगा कि आज का हमारा जो लेक्चर है वो है भारत में भारत की जलवायु। तो इस जलवायु में सब कुछ आ जाता है। क्या कहा जाता है? वर्षा। तो वर्षा जो होती है वो क्यों होती है, कैसे होती है, मौसम क्या से बदलता है, क्या होता है, इनका आने का कारण क्या है, जाने का कारण क्या है, एक्चुअल में ये क्यों होते हैं, गर्मी ज़्यादा क्यों पड़ती है, सर्दी ज़्यादा क्यों पड़ती है, इन सभी आज इस वीडियो सेशन में आपको पता चलने वाला है। आज के इस लेक्चर में आपको इन सभी फैक्टों पर कहीं कोई समस्या नहीं होगी। अभी तक आपने बस यही पढ़ा होगा, सबसे ज़्यादा वर्षा, सबसे कम वर्षा, है ना, तमाम तरीके के फैक्ट। लेकिन आज आपको उसका बेसिक रीजन समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। एक स्टूडेंट ने मुझसे क्लास में कहा था कि सर, अभी तक हमने केवल फैक्टों को पढ़ा है, लेकिन ये बारिश क्यों होती है? तो मुझे उसी की बात याद आई, तो मैंने कहा क्यों ना उसे एडवांस लेवल से और बड़े रूप से आज बिल्कुल बेसिक से उठाया जाए और वर्षा होने का वास्तविक कारण बताया जाए। तो ये टॉपिक आपको जानकारी के लिए भी है, है ना। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो शेयर नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि ये जानकारी के लिए भी है और एग्ज़ाम के लिए भी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत में जलवायु। एक्चुअल में भारत को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा पृथ्वी को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा? पृथ्वी को। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी पर आपको पता है सूर्य का प्रकाश पड़ता है, पृथ्वी पर आपको पता है सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ठीक है। ये बात सभी जानते हैं, जो लोग नहीं जानते उनको थोड़ा सा लिंक बनाने के लिए इसको मैं समझा रहा हूँ। बेसिकली पृथ्वी पर जो मौसम बदलते हैं वो सूर्य के प्रकाश के कारण ही बदलते हैं, सूर्य के प्रकाश के कारण ही बदलते हैं। कैसे, समझिए। सूर्य का जो प्रकाश है वो बेसिकली इतने क्षेत्र में पड़ता है। कितने क्षेत्र में पड़ता है? इतने क्षेत्र में। तो इतने क्षेत्र में पड़ता है तो जो भौगोलिक विद्वता थे, जो ज्योग्राफिस्ट थे, जो ज्योग्राफी के बड़े बड़े विद्वान हैं, उन्होंने पृथ्वी पर क्या है, दो रेखाएँ बना दी। इस रेखा को नाम दे दिया कर्क रेखा और इस रेखा को नाम दे दिया मकर रेखा, ठीक है। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है इंग्लिश में। और बीचों बीच से जो रेखा गुजरी, इस रेखा को तो आप जानते हैं क्या कहेंगे, इसको नाम दे दिया भूमध्य रेखा, ठीक है। भूमि के मध्य से गुजर रही है इसलिए इसको भूमध्य रेखा नाम दे दिया। इसी को विषुवत रेखा भी कहा जाता है, विषुवत रेखा भी कहा जाता है और इसी को इक्वेटर लाइन भी कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। तो ये तीन रेखाएं खींची। अब ये तीन रेखाएं वास्तविक तौर पर पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन ये मानी गई हैं। बड़े बड़े ज्योग्राफिस्ट और जो भूगोलवेत्ता हैं उनने इनको निर्धारित किया है किसी भी चीज़ का आकलन करने के लिए और यहाँ पर प्रकाश का आकलन करने के लिए। अब आप कहेंगे सर, इन रेखाओं को खींचा क्यों, बनाया क्यों, इसको थोड़ा और ऊपर मान सकते थे, इसको थोड़ा और नीचे मान सकते थे। तो इसका कारण है कि सूर्य का प्रकाश इतने एरिए में पड़ता है, इतने एरिए में क्या है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सूर्य का प्रकाश यहाँ नहीं पड़ता, यहाँ भी पड़ता है, लेकिन यहाँ जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे सूर्य का प्रकाश कम होता जाएगा, क्लियर है। तो इतने भाग को कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय। उष्ण, देखो उष्ण का मतलब होता है गर्मी, और जहाँ गर्मी होगी तो वहाँ कैसे बन होंगे, कटिबंधीय प्रकार के उष्ण कटिबंधीय बन होंगे। तो उसी आधार पर ये क्षेत्र क्या कहलाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। तो उष्ण का मतलब होता है गर्मी, और जब सूर्य का प्रकाश इतने एरिया में पड़ेगा तो कैसा पड़ेगा, सबसे ज़्यादा पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा जब प्रकाश पड़ेगा तो सबसे ज़्यादा गर्मी होगी, ठीक है। तो जो देश इस लाइन पर हैं बीचों बीच, जो देश इस लाइन पर बीचों बीच हैं, वहाँ प्रचंड गर्मी पड़ती है, प्रचंड गर्मी, वर्ष भर गर्मी पड़ती है, 12 महीने गर्मी पड़ती है। कितने महीने गर्मी पड़ती है? 12 महीने गर्मी पड़ती है। जैसे वेस्ट इंडीज को आपने देखा, वेस्ट इंडीज के लोग कैसे हैं, बिल्कुल काले हैं, टोटल काले हैं, और काले से भी ज़्यादा काले हैं, है ना। ऐसा लगता है जैसे उनको जले आयल या डामर में डुबा के निकाला हो, ठीक है। तो बिल्कुल काले हैं, और उस काले होने का कारण क्या है, ये भूमध्य रेखा। इस भूमध्य रेखा पर वर्ष भर क्या है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ठीक है।
वेस्ट इंडीज हो गया, वेस्ट इंडीज के बाद हम बात करें तो मेक्सिको जो देश है उसके थोड़े से नीचे वाले देश हो गए, पनामा सिटी के आसपास पनामा शहर हो गया आपका, है ना। उसके बाद हम बात करें तो अफ्रीका जो महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी देश, दक्षिणी देश है ना। साउथ अफ्रीका की बात करें, तंजानिया की बात करें, है ना, मेडागास्कर की बात करें, हमारे भारत में ये दक्षिण वाला क्षेत्र की बात करें, ठीक है। तो इस तरीके से जो देश इस लाइन पर हैं वो देश कैसे हैं, बहुत ज़्यादा प्रचंड गर्मी को सहते हैं क्योंकि सूर्य यहाँ हमेशा रहता है। और जो देश इस लाइन से थोड़ा ऊपर जाएंगे और जो गर्मी है वो धीरे धीरे स्लो डाउन होती जाएगी, धीरे धीरे कमती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से जब यहाँ तक देश आता है तो वहाँ थोड़ी बहुत गर्मी रहती है, यहाँ तक जब इस लाइन से ऊपर तक, यहाँ कर्क रेखा तक और यहाँ मकर रेखा तक जो देश सिचुएटेड हैं, लोकेटेड हैं, स्थित हैं, उन देशों में क्या है, उन देशों में गर्मी है, हल्की फुल्की गर्मी है, लेकिन गर्मी है और गर्मी में तो गर्मी रहती है ना। और जो मौसम परिवर्तन है वो यहाँ से लेकर इस वाली लाइन पर जो देश हैं कर्क रेखा और मकर रेखा, यहाँ मौसम परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। और जो इस कर्क रेखा से ऊपर वाले देश हैं, ये है और ऊपर बढ़ते जाओगे और यहाँ नीचे बढ़ते जाओगे तो यहाँ के देश कैसे हो जाएंगे, आप खुद सोचिए। यहाँ के देश ठंडे देश रहेंगे, क्यों रहेंगे, क्योंकि यहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया वगैरह देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया यहाँ नीचे है, ठीक है। न्यूजीलैंड देखा होगा नीचे है, गोरे लोग होते हैं। इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड यहाँ ऊपर है, इंग्लैंड हो गया, पूरा यूरोप हो गया, पोलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, अजरबैजान हो गया, रूस हो गया, साइबेरिया हो गया, फ्रांस हो गया, आपका पुर्तगाल हो गया, कनाडा हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, ठीक है। ये सारे जो ऊपर के देश हैं ये सब ठंडे देश हैं, लोग गोरे हैं, चाहे लोग यहाँ रहें चाहे लोग यहाँ रहें, दोनों में ठंडे हैं। और बिल्कुल ऊपर की बात करें यहाँ और यहाँ, तो यहाँ वर्ष भर बर्फ जमा होता है, क्या होता भैया, वर्ष भर बर्फ जमा होता है, ठीक है। नीचे आपने नाम सुना होगा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता, केवल पेंगुइन के अलावा, ठीक है, एक दो और हैं लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक है, नहीं, क्योंकि वहाँ इतनी ठंड है कि पूरा पानी बर्फ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जब पूरा पानी बर्फ रहेगा तो आप पिएंगे क्या, और आप तो छोड़ो पानी पौधे कैसे लेंगे, जब पानी पौधे नहीं ले पाएंगे तो पौधे जीवित नहीं रहेंगे, और जब पौधे जीवित नहीं रहेंगे तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा, और जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं बनेगी, और जब ऑक्सीजन नहीं बनेगी तो जीव कैसे जीवित रह सकता है, आप खुद सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे कारण है, कभी और बायोलॉजी में चर्चा करेंगे, तो ये समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। अब हम इस पृथ्वी पर भारत की स्थिति देखेंगे, किसकी स्थिति देखेंगे भैया, भारत की, क्योंकि हमें भारत की ही जलवायु पढ़ना है और भारत को ही समझना है। तो इस स्थिति में यहाँ वाले देश तो प्रचंड गर्मी का सामना करेंगे, वेस्ट इंडीज वगैरह हो गया, लेकिन हमारा जो भारत है वो यहाँ है, कहाँ पर भैया, ये कर्क रेखा पर। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो देश इसकी रडार में है, इसकी लोकेशन में है, वहां पर मौसम परिवर्तन होगा। मौसम परिवर्तन क्यों होगा, आप खुद सोच रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये वाला रीजन गर्मी वाला है और ये वाला रीजन सर्दी वाला है, शीत वाला है। तो जब ये सर्दी है और ये गर्मी है और ये सर्दी है, तो जब ये देश यहाँ है तो वो सर्दी का सामना करेगा, मतलब वर्ष भर ठंड रहेगी, और यहाँ देश है तो वर्ष भर ठंड रहेगी, और यहाँ देश है तो वर्ष भर गर्मी रहेगी। लेकिन जो देश इस कर्क रेखा के आसपास है और इस मकर रेखा के आसपास है, वहाँ सर्दी भी रहेगी और गर्मी भी रहेगी। क्लियर है बात, सर्दी भी रहेगी और गर्मी भी रहेगी, और वर्षा तो हर कहीं होती ही है, और वर्षा कैसे होती है अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो बात समझ में आई, तो ये कर्क रेखा वाला रीजन और ये मकर रेखा वाला रीजन, इसके थोड़ा सा ऊपर और इसके थोड़ा सा नीचे, अगर इस पर भी है तो कोई बुरी बात नहीं है, हमारा भारत जस्ट इसके बीचों बीच है। आपको पता है कि भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। लोकेशन क्या है, ये है कर्क रेखा, बना रहा हूं मैं, थोड़ा सा देख लेना, ये कर्क रेखा यहां से आती है, गुजरात में एंटर करती है, थोड़ा सा राजस्थान में एंटर कर जाती है, उसके बाद मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में चली जाती है, झारखंड में चली जाती है, झारखंड के बाद आपका बिहार में चली जाती है, और सॉरी बिहार नहीं, बंगाल में चली जाती है, और बंगाल के बाद यहाँ
मिजोरम में चली जाती है, त्रिपुरा में चली जाती है, सॉरी पहले त्रिपुरा फिर मिजोरम, ठीक है। तो ये आपकी कर्क रेखा है, तो आपके भारत से 8 राज्यों से बीचों बीच से गुजरती है। तो इतना भारत गर्मी का सामना करता है क्योंकि उष्ण कटिबंधी वाले एरिया में, और इतना भारत जो है वो शीत वाले रीजन में आता है। तो आपने देखा होगा कि जब आप उत्तर भारत की तरफ जाते हैं कभी सफर करने, कुल्लू मनाली जम्मू कश्मीर हिमाचल है ना, शिमला तो गई होंगे, उत्तराखंड पंजाब, तो यहाँ वाले रीजन में क्या है, ठंड पड़ती है बहुत ज़्यादा, कसके बर्फ गिरती है। कश्मीर में आपने सुना ही होगा है ना, जवान अवान बर्फ में खड़े होते हैं AK-47 लेकर। तो यहाँ क्या है, इसलिए बर्फ है क्योंकि ये कर्क रेखा के ऊपर वाला रीजन है। तो हमारे भारत में क्या है, शीत भी हो गया। और ये वाला रीजन कभी आप दक्षिण साइड गए हो, महाराष्ट्र तरफ गए हो, मुंबई तरफ गए हो, मुंबई में कभी कोई रजाई नहीं खरीदता और ठंड में भी वहाँ पंखे चलते हैं, और नीचे चले जाओगे तो वहाँ तो इतनी गर्मी है कि 12 महीने कूलर और पंखे चलते हैं, है ना। आप कर्नाटक तरफ जाओगे, केरल तरफ जाओगे तो यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी है। अब गर्मी का कारण क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जैसे आप दक्षिण तरफ जा रहे हैं तो दक्षिण तरफ नहीं वरन बल्कि आप भूमध्य रेखा की तरफ जा रहे हैं, और भूमध्य रेखा की तरफ जा रहे हैं तो मतलब सूर्य की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि सूर्य का सीधा फ्लैट प्रकाश भूमध्य रेखा पर पड़ता है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो हमारा भारत में सर्दी भी है और गर्मी भी है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर आपने वर्षा के बारे में तो बता ही नहीं, अभी बिल्कुल वर्षा में दिक्कत नहीं लेना, वर्षा के बारे में अभी पूरा हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। पहले आप बेसिक कॉन्सेप्टों को समझें, फिर मैं आपको वर्षा को बहुत बड़े स्तर पर समझाऊंगा, ठीक है। ये हो गया। अब समस्या क्या है, समस्या सबसे बड़ी है, समस्या नहीं कह सकते इसको, हम वरदान कह सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो समाधान है वो समस्या से ही उत्पन्न होता है। एक बहुत बड़े जो दार्शनिक थे उनने ये बात कही थी कि संसार में जितने भी हमको वरदान मिले हैं, जितने भी हमको खोजें मिली हैं, जितने भी हमको समाधान मिले हैं, वो एक समस्या से ही मिले हैं। अगर आज हमारे पास मोबाइल है, टीवी है, कूलर है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, JCB है, लिफ्ट सिस्टम है, ये सब हजारों लाखों समस्याओं से निकल कर आया हुआ समाधान है, ठीक है, जो कि बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इस पर शोधें की हैं, कभी मैं साइंस में आपको समझाऊंगा। तो इतना समझ में आ गया, तो ये कर्क रेखा और ये भूमध्य रेखा, दूसरे देशों की हम चर्चा नहीं करनी है अभी, अभी हम केवल भारत की बात करेंगे। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत है कि पृथ्वी सीधी नहीं है, दिक्कत क्या है कि पृथ्वी सीधी नहीं है, बल्कि पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी इस तरीके से झुकी हुई है, इस तरीके से क्या है, झुकी हुई है। कितनी झुकी है ये तो बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, 23 सही 1/2 अंश या 0.5 डिग्री भी कह सकते हैं। तो 23.5 डिग्री क्या है, पृथ्वी झुकी है। जब पृथ्वी झुकी है तो होगा क्या, पृथ्वी झुकी है तो होगा ये कि सूर्य का जो प्रकाश है वो अब एक सा नहीं पड़ेगा, ये वाले रीजन में क्या है, सूर्य का प्रकाश एक सा नहीं पड़ेगा। तो सर फिर कैसा पड़ेगा, एक सा नहीं पड़ेगा तो फिर कैसा पड़ेगा, तो फिर वो पड़ेगा ऊपर और नीचे। कैसा पड़ेगा भैया, ऊपर और नीचे, कैसा ऊपर और नीचे, जब पृथ्वी का झुकाव इस तरफ है, ठीक है, तो ये जो प्रकाश है वो इस तरफ वाला जो प्रकाश है वो थोड़ा नीचे पहुंच जाएगा, ठीक है। और जब पृथ्वी का ये वाला भाग घूमकर उस तरफ पहुंचेगा तो ये वाला जो प्रकाश है वो थोड़ा सा फ्लैट पर पड़ेगा, सामने पड़ेगा। तो होता क्या है कि साल भर मतलब 12 महीने की अगर हम बात करें तो 12 महीने में क्या होता है, 6 महीने सूर्य हमारे सामने रहता है और 6 महीने जो सूर्य है वो हमारे कैसा रहता है, पीछे रहता है, नीचे रहता है। बात समझ में आई, कैसे, क्योंकि पृथ्वी क्या है, झुकी है। सीधी सी बात है, इस तरीके से अगर पृथ्वी देखें हम तो यहाँ से अगर प्रकाश पड़ेगा तो सामने पड़ेगा, लेकिन मैंने इसको ऐसा कर दिया तो प्रकाश यहाँ पड़ने लगेगा, अगर मैं इसको ऐसा कर दूंगा तो प्रकाश यहाँ ऊपर पड़ने लगेगा। समझ में आ रहा है, तो पृथ्वी क्या है, सीधी नहीं है, सीधी होती तो सीधा प्रकाश पड़ता, मौसम को कहीं कोई नहीं बदलता, जैसा मौसम था वैसे ही 12 महीने रहता। लेकिन देखो पृथ्वी ये है, ये ऐसी है तो ये पड़ने लगा, फिर घूमकर ऐसी पहुंची तो प्रकाश नीचे की ओर पड़ने लगा। तो इसमें क्या है, सूर्य का प्रकाश होता है फ्लैक्चुएट, ऊपर नीचे। तो सूर्य जो है वो मैक्सिमम यहां तक जाता है
और मिनिमम यहाँ तक जाता है और बीच में भी रहता है। बात समझ में आई? तो सूर्य जो क्या है, गति करता है। सूर्य मतलब सूर्य गति नहीं करता, समझ पा रहे हो? सूर्य गति नहीं करता, सूर्य तो फिक्स है, लेकिन पृथ्वी झुकी है ना, इसके कारण सूर्य का प्रकाश गति करता है। तो आपने एक शब्द सुना होगा जरूर से, नहीं सुना है ये शब्द, तो आज ही जाकर अपने मम्मी पापा से पूछना, दादा दादी से पूछना, वो गारंटी से बताएंगे, चाहे वो कितने ही अनपढ़ क्यों ना हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपने एक शब्द सुना होगा कि सूर्य अब उत्तरायण हो गए हैं, उत्तरायण, और सूर्य अब क्या हो गए हैं, दक्षिणायन हो गए हैं। ये शब्द जरूर सुना होगा, नहीं सुना है तो पूछिएगा। तो यही जो सिस्टम है, ये जो 12 महीने को आपने भागों में बांटा है, ये इसमें 6 महीने सूर्य उत्तरायण रहता है और 6 महीने सूर्य दक्षिणायन रहता है। अब कुछ लोग जो ज्योतिष वाले होंगे वो कहेंगे कि अरे सर ऐसा नहीं है, ये तो 6 महीने से कम भी हो जाता है, ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कभी ज्योतिष आगे पीछे होता है। मैं कुछ नहीं कहूँगा, ज्योतिष का सिस्टम एक अपना अलग है, लेकिन ज्योग्राफी का सिस्टम एक अपना अलग है। ज्योग्राफी के सिस्टम में मैं वित्त कारण आपको बता रहा हूँ कि सूर्य जो है वो इस वाले रीजन में एक वर्ष पूरा करता है, क्योंकि एक वर्ष में पृथ्वी घूमती है, तो 6 महीने यहाँ प्रकाश पड़ता है और 6 महीने यहाँ पड़ता है। वैसे तो ये हर दिन प्रकाश कमता बढ़ता है, समझ पा रहे हो आप? हर दिन पृथ्वी लगातार चल रही है, पृथ्वी कभी रुकती तो है नहीं, तो पृथ्वी का प्रकाश हर वक्त कमता बढ़ता है, ठीक है? तो सूर्य जब सामने आ जाता है यहाँ चलकर, अब देखो मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट समझ में आए, अभी आपको बड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा। तो ये है भैया आपकी पृथ्वी, इस पृथ्वी पर ये है आपका भारत, कर्क रेखा पर भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो सिंपल सा है, जब इस फ्लैट होकर पृथ्वी सूर्य के सामने पहुंच गई, सूर्य यहाँ पहुंच गया, पूरा प्रकाश भारत में देने लगा, भारत में क्या आ जाएगी भैया, गर्मी। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है? फिर पृथ्वी उल्टी हो जाएगी, उल्टी का मतलब इस वाला भाग यहाँ आ जाएगा, तो सूर्य क्या है, नीचे की ओर जाने लगेगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ भैया इस वाली लाइन में गर्मी पड़ने लगेगी, ठीक है? फिर सूर्य और फ्लैट हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा रीजन, तो सूर्य कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। तो यहाँ जो देश है ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ गर्मी पड़ने लगेगी। ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ और भी हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, एक एग्जाम्पल दिया, भारत के साथ भी और बहुत सारे हैं। तो यहाँ जब सूर्य यहाँ पहुँच गया तो यहाँ गर्मी पड़ने लगी। अब इसमें एक लॉजिक समझो, इसमें क्या है लॉजिक समझो, जब सूर्य यहाँ है तो यहाँ से सूर्य की दूरी क्या है, मैक्सिमम हो गई, ठीक है? तो जब भैया सूर्य यहाँ पहुँच गया तो सूर्य यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, तो जब सूर्य यहाँ से दूर हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी ठंडी और यहाँ हो जाएगी गर्मी, क्योंकि सूर्य यहाँ है और यहाँ ठंड पड़ने लगेगी, ठीक है? फिर क्या होगा, फिर ये सूरज समय पूरा हो गया, पृथ्वी फिर से लौट जाएगी, तो ये सूर्य फिर ऊपर की ओर बढ़ने लगेगा, और एक वक्त आएगा कि सूर्य आ जाएगा यहाँ, जब यहाँ आ जाएगा भारत में, तो यहाँ गर्मी पड़ने लगेगी और यहाँ क्या पड़ने लगेगी, शीत या ठंड पड़ने लगेगी। बस इतना सा मतलब है, और इसमें कोई ऐसी इंजीनियरिंग नहीं है। इसका एक मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, ये मुझे कैसे पता चला, एक बार मैं तैयारी कर रहा था, तो पढ़ते पढ़ते तैयारी करते के दौरान मैंने एक न्यूज़पेपर पढ़ा, है ना? उस वक्त मेरा जो तैयारी का दौर था वो नया दौर था, तो मैं चीज़ें सीख रहा था, कुल मिलाकर बात कहने वाली ये है। तो मैंने जब पेपर पढ़ा तो मुझे उस पेपर में एक बड़ी अजीब बात मिली। उस पेपर में लिखा था कि ऑस्ट्रेलिया के घने जंगलों में गर्मी से आग लग गई। क्या लिखा था? ऑस्ट्रेलिया के घने जंगलों में गर्मी से आग लग गई और बहुत एक बड़े एरिए वर्ग किलोमीटर का वन जलकर खाक हो गया। ये भी बात मैंने उसमें पढ़ी तो मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो वर्तमान में प्रचंड ठंड पड़ रही है, मतलब उस समय वो बात है दिसंबर के आसपास की बात है, दिसंबर या जनवरी के, तो इतनी ठंड थी उस समय कि मैं मतलब रजाई में था, तो इतनी प्रचंड ठंड थी और उसमें लिखा था कि गर्मी के कारण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के घने जंगलों में आग लग गई। तो मैंने कहा यार ये कैसी बात है, फिर मैंने सोचा यार हो गया होगा, किसी ने लगा दी होगी या जो भी है, मैंने उस समय थोड़ा सा स्किप कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप मतलब किसी भी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं तो अगर आप थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट दिमाग में रखते हैं तो वो एक ना एक दिन चीज़ आपको टकरा जाती है, ठीक है? तो हुआ ये कि पुस्तकें फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तैयारी में थोड़ा सा आगे गया तो फिर मुझे यही कॉन्सेप्ट मिल गया एक दिन।
ये कॉन्सेप्ट मिल गया तो मैं काफ़ी खुश हुआ। फिर मुझे उस दिन वास्तविकता में समझ में आया कि भैया जब हमारे यहाँ प्रचंड ठंड थी तो इसका मतलब है कि हमसे सूर्य सबसे दूरी पे है। मतलब हम मतलब भारत, भारत से सूर्य पृथ्वी, भारत से सूर्य सबसे ज़्यादा दूरी पे है, सबसे ज़्यादा दूरी पे है। तो मतलब उस दिन सूर्य कहाँ था, यहाँ था। उस दिन सूर्य यहाँ था तो हमारे यहाँ लग रही थी भाई साहब बहुत ज़्यादा भयंकर ठंड। तो हमारे यहाँ जब ठंड थी तो ऑस्ट्रेलिया में भयंकर गर्मी थी। क्या थी? गर्मी थी, इसलिए वहाँ आग लगी। आज हमारे यहाँ गर्मी है, विश्वास ना हो तो आप फोन लगा के पूछ लो ऑस्ट्रेलिया में वहाँ क्या होगी, प्रचंड ठंड होगी। नहीं है विश्वास तो आप फोन नहीं लगा सकते, कोई होगा नहीं तो आप नेट पर देख सकते हैं, नेट पे आप देखेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। तो ये यही कारण है आगे पीछे होने का। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। काफ़ी आसान भाषा में मैंने समझाने का यहाँ पर एक हल्का सा प्रयास किया है, ठीक है। कुछ भी समझ में ना आया तो और कमेंट कीजिएगा। अब आप कहेंगे कि सर ठंड और गर्मी तो आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया, अब बस बरसात ले लो। चलो तो बरसात को ले लेते हैं। देखो वर्षा का कॉन्सेप्ट भैया ऐसा है कि ऐसा ये सूर्य से तो है, लेकिन ये थोड़ा सा क्या है कि वर्षा जो है ये कहीं भी हो जाती है। इसका ऐसा कुछ फिक्स पैमाना नहीं है। फिक्स पैमाना कैसा नहीं है कि भाई कहना चाहिए, अब जैसे भारत में आपको पता है कि भारत में हर वर्ष वर्षा होती है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि साल में कोई वर्षा ही नहीं होती है ना। जैसा एक साल हुआ था वर्षा ही नहीं हुई थी, थोड़ा बहुत पानी गिरा था एक आध दो दिन, है ना। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, क्योंकि जो वर्षा है उसका क्या है, फिक्स नहीं है। उसका फिक्स इसलिए नहीं है क्योंकि वर्षा होती है भैया हवाओं से। अब कभी कभी क्या है, हवा सीधी निकल गई तो दिक्कत हो जाती है, ठीक। आपको पता है कि भारत में यहाँ क्या है, यहाँ है अरब सागर, ठीक है, और यहाँ है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। क्या भी है? बंगाल की खाड़ी। लेकिन ये सब आता एक ही महासागर में है, ये सब आता एक ही महासागर में, जिसका नाम है हिंद महासागर। क्या भैया? हिंद महासागर। हिंद महासागर अलग है, हिंद महासागर एक महासागर है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका महासागर, ये पांच महासागर हैं, जिसमें से हिंद महासागर का ही भाग बंगाल की खाड़ी है। खाड़ी ये सब मैंने आपको बता दिया था पिछले लेक्चर देखें जिन्हें नहीं समझा। अरब सागर, हमारा जो भारत है, भारत में कैसी वर्ष, कैसा मानसून है, तो यहाँ पर है भैया उष्ण कटिबंधीय मानसून, मानसूनी जलवायु, ठीक है। तो हमारा क्या टॉपिक है, जलवायु, जलवायु, संधि विच्छेद करो, जल धन वायु, मतलब ऐसी वायु को हमें पढ़ना है जिसमें क्या हो, जल हो, है ना। दैट इज कॉल्ड बादल, क्लाउड, अब सामान्य भाषा में बादल कह देते हैं, ठीक है। तो जलवायु का अर्थ ये है। अगर मौसम की बात करें तो पहला फैक्ट आप लिख सकते हैं, मौसम शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। मौसम शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम से हुई है, ठीक है, मौसम से हुई है, अरबी भाषा से हुई है। अब इसमें वर्षा होती कैसे है? वर्षा मुख्य तौर पर मैं एक छोटा सा सीधा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मैंने अभी बताया कि सूर्य यहाँ है भैया ऑस्ट्रेलिया में, पृथ्वी का हिस्सा पलटा और सूर्य अब क्या है, ऊपर की ओर बढ़ना शुरू किया। सूर्य यहाँ आया, भूमध्य पे आया, फिर जब भूमध्य पे आया तो यहाँ क्या है भैया, महासागर है, आपको पता है हिंद महासागर भरा है पूरे में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी है। तो जब सूर्य यहाँ आया तो यहाँ क्या है, यहाँ गर्मी पड़ी, प्रचंड गर्मी। जब प्रचंड गर्मी पड़ी तो ये सूर्य का प्रकाश पड़ा इस पानी पे, यहाँ जो पानी भरा है उस पानी पे पड़ा। पानी मतलब महासागर, विशाल महासागर। भारत कितना बड़ा है कभी आपने पूरा घूमा नहीं होगा, इस भारत से भी कई गुना बड़े ये महासागर हैं। तो इस पे पड़ा, जब इस पे जब प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा, सोचो, आप सोचो, सोचने की बात है। जब इतने बड़े विशाल महासागर पे प्रकाश पड़ेगा तो ये पानी होगा बाष्पीकृत। क्या होगा भैया? बाष्पीकृत, वेपोराइजेशन, ठीक है, भाप में बदल जाएगा, सॉरी भाप नहीं कह सकते, बदल जाएगा इसमें, बादलों में बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, बादलों में बदल जाएगा। और आपको पता है
कि पृथ्वी पर हवाएं चलती हैं। पृथ्वी क्या है? हवाएं चलती हैं, ठीक है, पवने चलती हैं। अरे पवने क्यों चलती हैं? तो ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा फेरल भाई साहब ने कहा था। किसने कहा था? फेरल भाई साहब ने कहा था। और ये फेरल कौन है? एक बहुत बड़े भूगोलवेत्ता हैं, ज्योग्राफिस्ट हैं। तो इन्होंने कहा कि जब किसी भी स्थित वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु को घुमाया जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं विक्षोभ पैदा होता है। जैसे इस पृथ्वी पर वायु भरी थी, इस पृथ्वी क्या है, वायु भरी थी, इस पृथ्वी पर वायु भरी थी, पृथ्वी को मैंने घुमा दिया, पृथ्वी को मैंने क्या कर दिया, घुमा दिया, तो वायु क्या है, गतिशील प्रतीत होगी। समझ रहे हो बात के लिए? गतिशील प्रतीत होगी। जैसे कैसे, जैसे मान लो, कैसे मान लो, जैसे मान लो आप किसी गाड़ी में बैठे हैं, किसी गाड़ी में बैठे हैं, ठीक है, गाड़ी खड़ी है, आप भी खड़े हैं, आप भी स्थिर हैं, गाड़ी को मैंने आगे बढ़ा दिया तो आप भी क्या है, आप भी गतिमान हो गए, आप भी क्या हो गए, गतिमान हो गए। आप स्थिर नहीं हैं फिर भी आप गतिमान हो गए। किस गति से गतिमान है? जिस पृथ्वी से गतिमान हुई। तो वैसे कुछ यहां हुआ, पृथ्वी पर वायु भरी थी, पृथ्वी को घुमाया, पृथ्वी को देखो वायु, ये समझो ये वायु है, ये वायु है, ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी की इस वाले वायुमंडल में ये वायु भरी है, ये वायु भरी है, ठीक है, ये पृथ्वी घूमी, ये पृथ्वी घूमी, वायु जहां के तहां है, ये पृथ्वी घूमी, लेकिन फिर भी ये देखो इस तरीके से घूमी कि तो वायु भी क्या है, गतिशील प्रतीत होगी हमें, वायु भी क्या है, गतिशील प्रतीत होगी, ठीक है। और इस पर एक बल लगता है, इस पर एक क्या लगता है, बल लगता है, जिसे क्या कहते हैं, कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल, क्या कहते हैं भाई ये, कोरियोलिस बल कहा जाता है, ठीक है, इस बल को क्या कहते हैं, कोरियोलिस बल कहा जाता है। तो ये जो बल है, ये बल कैसे लगता है, ये बल लगता है घुमाव से, किससे लगता है, घुमाव से लगता है, विक्षोभ से लगता है। और विक्षोभ कहाँ से आता है, पृथ्वी के, पृथ्वी के घूमने से आता है। पृथ्वी जब घूमती है तो उसमें क्या है, विक्षोभ पैदा होता है, और ये जो विक्षोभ पैदा है यही क्या है, गति का कारण है। और ये जब गति हो जाती है तो यही गति से क्या है, वायु चलने लगती है आपकी पृथ्वी पर, और जब पूरे में वायु चलने लगती है तो इसी वायु में क्या है, पानी भर जाता है। पानी कैसे भरता है, आपको पता है, मैंने बता दिया, सूर्य के प्रकाश से। सूर्य का प्रकाश जब आपकी पृथ्वी पर पड़ेगा तो पृथ्वी का जो महासागर वाला क्षेत्र है, उस महासागर वाले क्षेत्र का जो पानी है वो आपका बाष्पीकृत होने लगेगा, और बाष्पीकृत होके वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका बादलों में। और बादलों में जो हवा चल रही है जो कि कोरियोलिस बल के कारण उत्पन्न हुई है, और कोरियोलिस बल कहाँ से आया, पृथ्वी के विक्षोभ से आया, और पृथ्वी के विक्षोभ से आया। तो ऐसा किसने बताया, ऐसा बताने वाले थे हमारे भाई साहब फेरल भाई साहब। तो फेरल ने कहा कि पृथ्वी घूमेगी तो एक बल क्रिएट होगा जिस बल को कोरियोलिस बल कहेंगे, और वायु गतिमान हो जाएगी। तो वायु क्या है, गतिमान हुई, और वायु कुछ इस तरीके से आती है, है ना, इस तरीके से ऐसा डायरेक्शन होता है। तो यहां से वायु इस तरीके से आती हैं। तो वायु जब देखो ये वायु क्या है, लगातार चलती है ना, आपने देखा होगा पश्चिम से पूरब की ओर हवा चलती है, कहते कभी कभी उल्टी हवा चलने लगी, बताऊंगा अभी। एक देखो तीन चीजें हैं, तीन तरफ से हवा आती है भारत में। अब क्यों आती है ये मैंने आपको बता दिया, फेरल भाई साहब के नियम के अनुसार, ठीक है, और कुछ ज्योग्राफिकल स्थिति के अनुसार। एक हवा इस तरफ से आती है, और एक हवा जो है भारत में, हवा नहीं कह सकते, पवन, इस तरफ से आती है, इस तरफ से आती है, इस तरफ से आती है, एक हवा कहां से आती है, इस तरफ से आती है ये, ठीक है, दो तरफ से आती है। और एक हवा कहां से आती है, एक हवा आती है इस तरफ से, इस तरफ से आती है एक हवा, एक हवा इस तरफ से आती है। तो तीन तरफ से वायु हमारे भारत में, पवन हमारे भारत में एंटर करती है। इस तरफ से इसको क्या कहा जाएगा, दक्षिण पश्चिम, क्योंकि ये क्या है, दक्षिण है और ये पश्चिम है, है ना, तो दक्षिण पश्चिम। इस वाली हवा को क्या कहेंगे, इस वाली हवा को उत्तर पूरब कहेंगे, क्या कहेंगे, उत्तर पूरब कहेंगे। इस वाली क्या कहेंगे, इसको हम केवल पश्चिमी कहते हैं, ठीक है, लिख देता हूं मैं ताकि आपको समझ में आए, है ना, ये क्या है, पश्चिमी, इसे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। क्या कहते हैं भैया,
पश्चिमी विक्षोभ। अब ये कैसे उत्पन्न होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। और इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसूनी जलवायु। और इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे उत्तर पूर्वी जलवायु, उत्तर पूर्वी जलवायु। ठीक है, तो ये तीन तरफ से भारत में क्या है, पवनें एंटर होती हैं। अब जब ये पवनें एंटर हो रही होती हैं तभी हमारे भारत में क्या है, सूर्य आ रहा होता है। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से, यहाँ से आया फिर यहाँ आया, और जब यहाँ आता है तो इस वाले पानी को पड़ता है और ये पानी बाष्प बनता है, और बाष्प बन के इन्हीं पवनों में भर जाता है, इन्हीं पवनों में भर जाता है, इन्हीं वायु में क्या भर जाता है, जल भर जाता है, दैट इज कॉल्ड जलवायु। बस समझ में आई, ये वायु चली आ रही होती है इसमें जल भर गया और इसी को हमने कह दिया जलवायु। इसी जलवायु से क्या है, मानसून आ गया और इसी को हमने कह दिया मानसूनी जलवायु। किस रीजन में आया, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, इसलिए इसको हमने कह दिया उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। क्लियर है, बहुत ही सिंपल आसान, एक एक शब्द के आधार पर बता रहा हूं मैं आपको, जाही ताकि कहीं कोई समस्या ना हो। तो क्षेत्र है उष्ण कटिबंधीय, जल प्लस वायु और मानसून, मानसून जलवायु, कहते हैं ना मानसून आ गया, मानसून आ गया, मानसून आ गया, ऐसी कारण। अब बारिश कैसे होती है वो समझिए, ठीक है। गर्मी सर्दी समझ गया ना, गर्मी सर्दी मैंने बता दिया, हवाएं चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, फेरल के नियम के अनुसार, क्या बताया फेरल के नियम ने, बता दिया मैंने, है ना, कोरियोलिस बल के आधार पर। अभी जब वायु आ रही है तो जल को लेकर आ रही है, वायु आ रही है फेरल के नियम के अनुसार, ठीक है, और जल आ रहा है सूर्य की गर्मी के अनुसार। सूर्य की गर्मी पड़ी, प्रकाश पड़ा, पानी बाष्प बना, बाष्प बन के इस वायु मिल गया, दैट इज कॉल्ड जलवायु। क्लियर है, तो ये सूर्य जब भैया यहां आ गया, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, कहां आ गया, भारत पे आ गया। अब भारत पे आ गया और भारत में पड़ने लगी गर्मी, भारत में पड़ने लगी क्या, गर्मी। अब देखना, मैं बिल्कुल आपको सीक्वेंस से बता रहा हूं, बहुत गहराई वाली बात है, कोई नहीं बता पाएगा ऐसा, आपको पुस्तकों में भी नहीं मिलेगा आपको। सूर्य जब यहां पड़ा तो इसने बास बना दिया, बास बन के सूर्य कर गया एंटर भारत में। जब कर्क रेखा मतलब भारत पे सूर्य आ गए तो भारत में पड़ी अच्छी गर्मी, खींच के गर्मी पड़ी भारत में। और आपको पता है कर्क रेखा से सूर्य आगे जा नहीं सकता, ये जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा उसकी आखिरी सीमा है। अब यहीं से क्या है, सूर्य कर देता है लौटना शुरू, क्या कर देता है भैया, लौटना शुरू। तो सूर्य आपका लौटता जाता है, सूर्य आपका लौटने लगता है, और जो सूर्य बाष्प बना के पानी को वहां छोड़ के आया था, वो पानी आने लगता है भारत की तरफ। बस समझ में आई, जब सूर्य यहां था तो सूर्य ने क्या बना दिया, बादल बना दिया, और जब सूर्य यहां बना तो गर्मी आ गया, और गर्मी के बाद जस्ट आती है बरसात। तो सूर्य चला गया इस तरफ और बादल आ गए इस तरफ, सूर्य चला गया नीचे, गर्मी कमने लगती है बरसात के बाद, फिर ठंडा जाती है बरसात के बाद, और ये बादल आ जाते हैं ऊपर की ओर। ऊपर की ओर क्यों आते हैं, ऊपर की ओर आने का कारण एक और बता देता हूं मैं, बायोलॉजिकल कारण है, बहुत बड़ा कारण है, अगर आप समझ पाए तो समझिएगा। इस संसार में कहीं भी कोई भी चीज या तो कम होगी या ज्यादा होगी, मध्यम भी होती है, मध्यम भी होती है, लेकिन मध्यम को हम नहीं उठाएंगे। इस संसार में कहीं भी कोई भी चीज किसी भी व्यक्ति के पास या प्रकृति के पास या तो कम होगी या ज्यादा होगी, या कम होगी या ज्यादा होगी। अब आप मुझे बताओ कि इसमें से जो चीज है वो किसकी ओर जाएगी, वो प्रकृति में हमेशा ज्यादा से कम की ओर जाती है, हमेशा हमेशा। ऐसा नहीं हो सकता कि कम से ज्यादा की ओर जाए। जैसे दो टंकियों में आप पानी भर दो, दो टंकियों में क्या कर दो, पानी भर दो, एक टंकी में थोड़ा सा पानी भरो, एक टंकी में थोड़ा सा पानी भरो, एक टंकी में पूरा पानी भर दो, इनको जोड़ दो, इनको जब जोड़ोगे तो क्या होगा, इस ज्यादा वाले का पानी इस कम वाले में आएगा, स्वाभाविक सा नियम है। पावर हाउस में ज्यादा बिजली है, वहां से बिजली आपको घर को आएगी, ना कि घर से पावर हाउस जाएगी। जिसके पास ज्यादा ज्ञान होगा वो कम ज्ञान वाले को ज्ञान देगा। ऐसा नहीं होगा कि बच्चा स्टूडेंट टीचर को पढ़ाने लगे, कुछ होते हैं जो पढ़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो प्रकृति के विरुद्ध जाते हैं और वो खत्म हो जाते हैं, है ना। कहते हैं कि प्रकृति के विरुद्ध आप चले, प्रकृति के नियम को आपने तोड़ा तो प्रकृति आपको तोड़ के रख देती है। क्लियर है, तो वैसे ही कुछ यहां होता है। जब सूर्य यहां रहता है तो यहां
दबाव ज्यादा रहता है, वाष्प सॉरी सूर्य जहाँ रहता है वहाँ जो वायु है वो विरल हो जाती है और वहाँ का जो दबाव है वो कम हो जाता है, जहाँ ठंड होती है वहाँ दबाव बढ़ता है। तो भैया जब यहाँ सूर्य आ गया तो यहाँ गर्मी हो गई, गर्मी हो गई तो दबाव कम गया, जब दबाव कम जाता है, यहाँ सूर्य है गर्मी है, गर्मी है तो दबाव कम हो जाएगा और यहाँ दबाव अधिक हो जाएगा, तो अधिक से कहाँ आएगा बादल, कम की ओर आएगा, ठीक है कम की ओर आएगा। गर्मी जहाँ दबाव कम तो बादल वहाँ की ओर आएगा, भले ही सूर्य फिर वहाँ लौट जाए। जब सूर्य वहाँ लौट जाता है तो ये मानसून भी धीरे धीरे लौटने लगता है, समझिएगा। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे ना तो आप बहुत बड़ी चीज सीख रहे हैं आज। यहाँ देखिए सूर्य यहाँ है, चलो यहां से बताता हूँ, सूर्य यहाँ है तो दबाव कम, माइनस मतलब दबाव कम, माइनस मतलब ऋण, ऋणात्मक, यहाँ दबाव कम, दबाव कम यहाँ दबाव अधिक है क्योंकि यहाँ सूर्य निकल चुका है, तो बादल जो है वो यहाँ से यहाँ की ओर आ जाएगा, कहाँ भारत में जाएगा, बारिश करा देगा, फिर सूर्य यहाँ से खिसक लेगा और सूर्य यहाँ जाएगा, जब सूर्य यहाँ जाएगा तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो प्लस से माइनस की ओर जाएगा, फिर बादल लौटने लगता है, फिर बादल लौटने लगता है और लौट लौट के भारत से पूरा मानसून चला जाता है। न्यूज में आप सुनते होंगे कि मानसून चला गया, ऐसा कोई नहीं कहता कि मानसून खत्म हो गया। तो भैया मानसून जाता है, क्यों जाता है, प्लस माइनस के आधार पर। प्लस माइनस क्या है, कम ज्यादा, कम ज्यादा क्या है, दबाव, कैसे, सूर्य से, सूर्य के प्रकाश से आता है। कुछ चीजें मैं आपको यहां नहीं समझा सकता, फिर आप कहां समझाऊंगा, बायोलॉजी में समझाऊंगा, अभी के लिए नहीं, क्लियर है। तो अब भैया क्या है कि ये तीन तरफ से आ रही हैं क्या धाराएं, तो देखो यहां से जब धारा आएगी यहां से, तो आपको एक चीज पता है, आपको क्या है, एक चीज पता है, देखो भैया बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं मैं, बहुत शानदार चीजें बता रहा हूं, आपको मजा आ जाएगा पढ़ के। मैं बता रहा हूं कि अभी तक आपने केवल चीजें पढ़ी होंगी लेकिन इस क्लास में आपको पढ़ के मजा आएगा, ये गारंटी है, ठीक है। आप यहां से चीजें याद नहीं करेंगे बल्कि उनको आप जीवन में उतार पाएंगे और दूसरों को समझा पाएंगे। तो इस तरफ जो वाला जो दक्षिण सॉरी उत्तर पूर्व जो मानसून आता है, ये आता है और आके टकरा जाता है किससे, किससे, हिमालय से। अब जिसने हिमालय नहीं पढ़ा उसको ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, तो जिसको समझना है वो तो पीछे जाके हिमालय पढ़ लो। तो यहाँ हिमालय विशाल पर्वत है जो कि विश्व के सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वतों में से एक है, माउंट एवरेस्ट भी इसी पर है, केटू भी इसी पर है, सब बता दिए मैंने। तो इतना ऊंचा है कि ये जलवायु इसमें टकराती है और लौट जाती है, तो इससे वर्षा नहीं होती। देखो थोड़ी बहुत हो सकती, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भाई नहीं है तो नहीं है, जैसे हो सकता है भाई हिमालय में कहीं से ब्रेक हो, थोड़ा सा बादल आ गया, कहीं मान लो थोड़ा सा मानसून ज्यादा है तो ऊपर से निकल गया, बहुत रेयर कंडीशन, बहुत 1-2-5%, लेकिन नहीं के बराबर मान लो तो बेहतर रहेगा। तो यहां से मानसून आया, टकरा गया और टकरा कर ही वापिस लौट गया, वापिस लौट गया तो मतलब इससे बारिश नहीं होती भारत में, क्लियर है। लेकिन टकराएगा वहीं तक जहां तक हिमालय है, तो हिमालय यहां तक, लेकिन इसके नीचे से एक लाइन जो है ये देखो ये यहां से गुजर आता है बंगाल की खाड़ी से होता हुआ और टकराता है कहां, तमिलनाडु के तट पर, यहां तमिलनाडु के तट पर, और यहां करा देता है बारिश। तो क्वेश्चन आता है कि तमिलनाडु के तट पर सर्दी के दिनों में जो बारिश होती है, क्योंकि ये देखो ये वाला रीजन कौन सा है, शीत है, गर्मी केवल यहां तक है, इसके ऊपर क्या है, शीत है, तो ये शीतकालीन है ना, शीतकालीन, तो ये शीतकालीन वर्षा कराता है यहां पर तमिलनाडु के तट पर, बस यही थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मायने नहीं रखती। भारत में जो वर्षा होती है वो होती है इस मानसून से। क्वेश्चन आएगा कि भारत में किस मानसून से वर्षा होती है, तो आपका आंसर एक ही रहेगा, दक्षिण पश्चिम मानसून। यही वो मानसून है जो भारत में 90% प्लस बारिश कराता है, 90% प्लस बारिश के लिए जिम्मेदारी है, फिर थोड़ा बहुत 10% यहां वहां से कोने वोने से होता रहता है, उससे इंपोर्टेंट नहीं है। दक्षिण पश्चिम मानसून आपको पता है सूर्य ने यहां पर डाल दिया और पूरा ये भरा हुआ है जल से, तो जलवाष्प है, जलवाष्प को हम बादल कहते हैं, तो ये आएगा यहां और सबसे पहले टकराता है केरल से। यहां आपको पता है केरल है, ये पहले आता है नीचे हिस्सा, तो केरल के तट से पहले ही क्वेश्चन आया था कि दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के किस एरिया में सबसे पहले जाके बारिश कराता है,
तो इसका आंसर केरल नहीं मिलेगा ऑप्शन में। फिर आप कहोगे कि क्या मिलेगा भैया, तो इसका आंसर मिलेगा आपको मालाबार तट। तो मैंने आपको पिछली क्लास तट वाली दे दी है, देख लो जाके। तो मालाबार जो तट है केरल के तट को कहते हैं, और यहां पर जाकर ये प्रचंड बारिश कराता है। कब कराता है? 1 जून, ये एंट्री होती है 1 जून को। कितने जून को भैया? 1 जून को हमारे भारत में एंट्री हो जाती है। कहीं कहीं आपको 25 मई भी मिलेगा, कभी आगे कभी पीछे, ऐसा फिक्स नहीं है। तो यहां से टकराएगा, फिर ये पूरे पश्चिमी घाट पर चढ़कर बारिश कराएगा। मैंने पश्चिमी घाट भी बता दिया डिटेल से, देखो सीक्वेंस से देखो। इसके बाद आगे बढ़ेगा, महाराष्ट्र में कराएगा, तो महाराष्ट्र कर्नाटक यहां तक हो जाएगा लगभग 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 8 से 10 जून, 8 से 10 जून में करा देगा। और यहां है आपका अपना प्यारा मध्य प्रदेश, तो जो आपका प्यारा मध्य प्रदेश है यहां आपका करा देता है 15 जून। और आपको समाचारों में देखने को मिलेगा कि भैया 15 जून आ गया है और अब वर्षा हो जाएगी। तो यहां 8 से 10 और यहां 10 से 15, 15 और यहां लगभग 20 से 25 जून तक ये पूरे भारत को कवर कर लेता है, 25 जून तक कवर कर लेता है। और जुलाई से स्टार्ट होता है पूरे भारत में वर्षा का क्रम। फिर ये थोड़ा थोड़ा टूट फूट के, मतलब टूट फूट नहीं, बादल बट बट के यहां वहां डिस्टर्ब हो जाता है और पूरे भारत में बारिश कराता है। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होने का जो कारण है वो है हिमालय। क्या भैया? हिमालय। क्यों है? क्योंकि ये जो भरा हुआ मानसून आता है पूरे भारत में बारिश कराता है, और कराने के बाद ये निकल नहीं पाता। क्यों नहीं निकल पाता? विशाल विश्व का सबसे बड़ा पर्वत इसके सामने सा ढाल बन के खड़ा है, तो ये इसमें टकराएगा और भैया फिर लौट आएगा। क्या है? फिर लौट आएगा, फिर बारिश कराएगा। तो जून में तो बारिश होती ही है साथ साथ में, जाते जाते जुलाई में भी बारिश लौटते हुए कराता है। थोड़ा बहुत फिर फंसा रहता है कहीं अरावली में, कहीं विंध्याचल में, है ना, कहीं आपका सतपुड़ा में, कहीं राजमहल की पहाड़ियों में, कहीं पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये बादलों में पहाड़ों पर फंस जाता है बादल। और फिर अगस्त में भी कराता है, फिर सितंबर से वर्षा कमने लगती है। बात क्लियर है? तो हिमालय जो है वर्षा में सबसे अहम इंपॉर्टेंट योगदान, अपना कंट्रीब्यूशन देता है। ठीक है, अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर राजस्थान में बारिश क्यों नहीं होती, है ना क्वेश्चन। तो यहां एक बहुत विशाल पर्वत खड़ा है, क्या? अरावली। और अरावली की एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो अरावली पर्वत है, आप भैया पिछला लेक्चर देखा नहीं तो अरावली आपके ऊपर से जाएगा, पूरा डिटेल समझाया है टुकड़े तक, उन सब कुछ बताया। तो ये अरावली पर्वत की एक सबसे बड़ी समस्या है कि ये पैरेलल है। पैरेलल का मतलब समानांतर, समानांतर है। तो जब समानांतर है तो बादल यहां से आया और इसके समानांतर सीधा निकल जाता है, इसके समानांतर दोनों तरफ से सीधा निकल जाता है, और ये वाली भैया पट्टी रह जाती है बाकी, और यही नहीं होती बारिश और बन जाता है मरुस्थल, रेगिस्तान, डिजर्ट, जिसे आप थार के मरुस्थल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है स्टेटमेंट के आधार पर कि राजस्थान के मरुस्थल में बारिश नहीं होने का कारण क्या है, निम्न कथन पर स्पष्ट करिए। तो आप उसमें सबसे इंपोर्टेंट लगाएंगे अरावली पर्वत का समानांतर होना, सीधा बादल निकल जाता है, पहली चीज। अब दूसरी चीज, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बारिश क्यों होती है, उत्तराखंड में प्रचंड बारिश क्यों होती है। तो देखो, यहां से ये मानसून आया और यहां से भी कुछ मानसून इस तरीके से उठता है, यहां से ये हल्का फुल्का है लेकिन उठता है, तो ये भी ऐसा आता है, ये भी चला आता है, ये भी चला आता है बंगाल की खाड़ी वाला, और दोनों जो हैं वो टकरा जाते हैं यहां, दोनों टकरा जाते हैं यहां। तो ये बंगाल की खाड़ी वाला टकरा गया, ये हल्का फुल्का है, इसे उतना बड़ा नहीं माना जाता, और ये बहुत बड़ा है, ये भी उत्तराखंड की पहाड़ियों में टकरा गया। अब ये टकराता इसलिए है क्योंकि यहां हिमालय है, नहीं तो ये उस तरफ निकल जाता चाइना में, तो नहीं निकल सकता, इसलिए ये भी यहीं पूरा रुक गया, ये भी यहां जाके पूरा रुक गया, और दोनों में टकराव हुआ, और आप सुनते हैं कि उत्तराखंड में बादल फट गए। अभी 2013-14 के आसपास हुआ था। तो ये बादल फटने का कारण यही है कि दोनों टकरा जाते हैं, आगे नहीं निकल पाते, पूरा पानी वहां सीधा गिर जाता है, कंडेंसेट होकर, संघनित होकर, और जब गिरता है तो तबाही आती है और उत्तराखंड पूरा बह जाता है, कई बार बहा है। बात क्लियर है? तो ये सबसे ज्यादा बादल फटने का कारण है और ये ना होने का कारण है। अब एक चीज और है कि भारत में जो सबसे ज्यादा बारिश है वो मेघालय में होती है, है ना। कहां होती है भैया? मेघालय में। मेघालय में कहां होती है? दो जगह पड़ती है, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, एक का नाम है मासिमराम और एक का नाम है चेरापूंजी, है ना। 11,000 mm के आसपास होती है। तो अभी हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा बारिश वाला जो जगह है वो मासिमराम है। मासिमराम क्यों? क्योंकि यहां से जो जाते हैं बादल, वो जाकर
यहाँ पर मेघालय का पठार है, उस मेघालय के पठारों में फंस जाते हैं। और मेघालय के पठारों में फंसने के बाद ये जो पठार है, मेघालय का पठार या शिलोंग पीक के आसपास की बात करें, तो ये पठार इस तरीके से है कि इसमें जो बादल हैं वो फंसे रहते हैं। मतलब एक सा पठार नहीं पूरा एक मुश्त, ये पठार टुकड़ों में है, तो इसके बीच बीच में रिफ्ट वैली में जाकर बादल ऐसा थोड़ा 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 फंस जाता है, और वो साल भर थोड़ा थोड़ा क्या है बारिश कराता रहता है, लगातार बारिश कराता है। तो पहला कारण लगातार बारिश होती है, तो पहला कारण चाय सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में होती है, असम मेघालय में अधिक बारिश। दूसरा कारण जब बारिश अधिक है तो सबसे ज्यादा जो बारिश है मासिमराम में होती है। मासिमराम ऑप्शन नहीं है, चेरापूंजी लगा दीजिए। और जब बारिश ज्यादा होगी तो मिट्टी बह जाएगी, और जब मिट्टी बह जाएगी तो नदियां भी लगातार बहेंगी, और जब नदी लगातार बहेगी तो विश्व की सबसे साफ नदी उमगोट नदी भी यहीं बहती है। कौन सी भैया? उमगोट नदी, ये आप पहली बार सुन रहे होंगे, उमगोट नदी। तो इतनी क्लीन नदी है कि अगर आप इसमें सिक्का भी डालेंगे तो वो स्पष्ट दिखेगा। इस पर जब नाविक नाव चलाता है तो दूर से देखने में ऐसा लगता है कि नाव हवा में चल रही है, नाव हवा में चल रही है, क्योंकि नाव और स्थल के बीच का जो डिस्टेंस है वो इतना पारदर्शी है कि मतलब कुछ दिखता ही नहीं है। तो इतनी ज़्यादा साफ नदी है उमगोट नदी, तो लगातार बारिश होने का ये अहम कारण है। तो सर्वाधिक बारिश बता दिया, बादल फटना बता दिया, क्लीन बता दिया, ठीक है। तो ये वाला मानसून दक्षिण पश्चिम सबसे ज़्यादा बारिश कराता है, ये वाला नहीं करा पाता, टकरा कर लौट जाता है। तो ये गर्मी का था, ये ठंड का है, क्योंकि ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा के नीचे गर्म वाला हिस्सा है, कर्क रेखा के ऊपर ठंडा हिस्सा है। तो ठंडा मतलब शीत, तो ये शीत जलवायु है, ये ठंड में आती है, टकरा के लौट जाती है, लेकिन टकराएगी यहां तक, यहां नहीं टकरा पाएगी, तो यहां से यहां आकर ये थोड़ा सा टच मार देती है, कहां? तमिलनाडु के तट पर, जिसका नाम है कोरोमंडल तट। तो यहां क्या भैया, ठंड में बारिश हो जाती है। कहां हो जाती है? ठंड में बारिश हो जाती है, ठीक है। केरल के एक बीचों बीच क्षेत्र में बारिश नहीं हो पाती, साल भर बारिश नहीं होती ये केरल के बीचों बीच क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर तीन पहाड़ियों का ऐसा सिस्टम है कि वहाँ बादल जा ही नहीं पाते, है ना। एक पश्चिमी घाट हो गया, एक पूर्वी घाट हो गया, और आपका नीलगिरी हो गया, उसके बाद ट्रायंगल बनता है, बीचों बीच में बारिश नहीं होती। अब बचा है ये पश्चिमी विक्षोभ। किस क्या बचा भैया? पश्चिमी विक्षोभ, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वेस्ट डिस्टर्बेंस। अभी होता कहां है ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, बस यही आप कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ये उत्पन्न होता है भैया भूमध्य सागर में, मेरिडियन सी में, है ना। भूमध्य सागर आपको पता है कि बीचों बीच भरा हुआ, बल्ट के में मैंने आपको समझाया है। तो इस भूमध्य सागर में ये विक्षोभ उत्पन्न होता है, और ये पश्चिम में इस तरफ की ओर आता है, क्योंकि पृथ्वी ऐसी घूमती है, तो ये सीधा चला आता है, और सीधा चला आने के बाद ये टकराता है सीधा कहां? सीधा टकराता है हिमालय पर्वत के हिंदू कुश से और सुलेमान से, है ना, यहाँ लद्दाख जास्कर काराकोरम श्रेणी से। तो एक हिस्सा ऊपर की तरफ चला जाता है। देखो ये कब टकराता है, ये बात है शीत की, ठंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठंड की बात कर रहे हैं। ये गर्मी के, देखो सूर्य जब यहाँ आ रहा था तो ये गर्मी हो गया, गर्मी के बाद की जो बारिश है जुलाई अगस्त में हो गई। अब जुलाई अगस्त के बाद सितंबर के बाद क्या आएगा? अक्टूबर नवंबर, ठंड पड़ने लगेगी। तो ठंड में ये यहाँ पर मार देगा, और ये ठंड में दिसंबर के बाद, दिसंबर जनवरी की बात है, नवंबर दिसंबर जनवरी में ये यहां से आता है पश्चिमी विक्षोभ, और ठंड में ये वाला तो यहां निकल जाता है, लेकिन ये एक पट्टी यहां एंटर कर जाती है, ये एक छोटी सी धारा यहां एंटर कर जाती है ठंड में। और ठंड में क्या है कि वैसी कंडीशन नहीं मिल पाती भारत में, और ये जो बादल है ये बादल पानी नहीं बन पाता, तो पानी नहीं बन पाता तो क्या बन जाता है भैया? ये बन जाता है ओले। क्या बन जाता है? ओले। इसलिए आपसे घर वाले कहते हैं कि अगर ठंड में बारिश हो रही है तो कहीं मत जाओ, नहीं तो अभी ओले गिर जाएंगे तो आपका सर फट जाएगा, ठीक है। तो यही कारण है कि ये वाली जो बारिश है, ये वाली बारिश में अधिकांश तौर पर लोग ये मानते हैं कि ओले गिर सकते हैं। ओले क्यों गिरते हैं? क्योंकि इसके लिए वेदर एंड कंडीशन नहीं मिल पाती पानी बनने के लिए, क्योंकि उतनी ज़्यादा गर्मी रहती नहीं है एनवायरनमेंट में, इसलिए वो डायरेक्ट चेंज होता है और डायरेक्ट ओले के रूप में ज़मीन पर गिरता है। और ये हल्का फुल्का आपका सब कहीं देखने को मिलता है ना। आप कभी ध्यान से देखना, जनवरी और दिसंबर ठंड में एक बार हल्की सी बारिश होगी, कहीं कहीं बारिश भी हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई परमानेंट 100%। देखो संसार में एथिक्स के अनुसार कोई भी चीज़ 100% सही और 100% गलत नहीं होती, कोई भी चीज़ थोड़ा बहुत रेशो होता है।
तो ओले गिरते हैं लेकिन कहीं कहीं नहीं भी गिर पाते भाई, कहीं कहीं मिल जाता है उनको ऐसा। कई बार आपने देखा होगा ठंड में जब हमारी जो रबी की फसल है वो खड़ी होती है, तो रबी की फसल में आप कहते हो यार हमारे यहाँ की फसल नष्ट हो गई ओलों में, कुछ बाजू वाले किसान कहते हैं यार हमारा तो बच गया। तो भाई होता है, कहीं कहीं निकल जाता है, कहीं कहीं ऐसी कंडेंसेंट कंडीशन मिल जाती है। ठीक है, तो हाँ क्वेश्चन यही है कि ये जो ठंड में बारिश होती है इस बारिश को किस नाम से जाना जाता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगर कोई बता सके कमेंट सेक्शन में तो बताए कि ठंड में जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत में वर्षा होती है या ओले गिरते हैं, एक ही बात है, तो ये किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस वर्षा को नाम से जाना जाता है भैया मां वट। किस नाम से जाना जाता है? मां वट। ठीक है, ये बहुत अच्छे से याद रखना। ये लौटता हुआ मानसून या ठंड का मानसून या ओले वाला मानसून या बिना मौसम का मानसून जो भारत में आता है जनवरी दिसंबर में, फरवरी में भी आ जाता है कभी कभी, तो इसको मावट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मावट कहा जाता है। एक चीज और बता देता हूं लगे याद, ये क्या है ऐसा लिख लो आप, ये लिख लो लौटता मानसून लिख लो, लौटती बारिश लिख लो, है ना, लौटती बारिश लिख लो। लौटती बारिश को किस नाम से जानते हैं? मावट के नाम से। बेमौसम बारिश मावट के नाम से, ठंड की बारिश मावट के नाम से। अब मैं आपको दो चीजें और बता दूं लगे हाथ, ठंड को किस नाम से जाना जाता है और गर्मी को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये लगभग सारे क्षेत्रों में नहीं कहते, ये इस वाले क्षेत्र मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश इस वाले क्षेत्रों में कहते हैं। तो भैया ठंड को सियाला ऋतु के नाम से भी जाना जाता है और गर्मी को यूनाला ऋतु के नाम से भी जाना जाता है। तो आज आपको समझ में आया कि गर्मी को यूनाला भी कहते हैं, ठंड को सियाला भी कहते हैं और बारिश को मावट भी कहते हैं। ये तीन शब्द जो हैं, तीनों ऋतुएं आप रोज देखते हैं, मतलब हर साल देखते हैं, जानते हैं, लेकिन आप इनके अन्य नाम शायद नहीं जानते होंगे, और क्वेश्चन यहीं से बना देता है और आपकी वाट लग जाती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, ये सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से नोट डाउन कर लेना है। तो आई होप आज के लेक्चर में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, कुछ और भी चीज़ें रह जाती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि एक टॉपिक में सारा हो जाए, लेकिन जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें हैं वो आपको यहाँ मैंने सारी समझा दी हैं। कहीं कोई और डाउट या कोई अलग से टॉपिक या कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करें, आपका निराकरण जरूर कर दिया जाएगा। और अभी तक वीडियो का ज़्यादा मैंने शेयर का कहा नहीं, लेकिन इसको कर देना क्योंकि ये जानकारी के लिए है, ताकि आम जन तक लोग पहुँचें और लोग समझ सकें कि आखिर बारिश होने का वास्तविक कारण क्या है। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का जय हिंद जय भारत।